हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स चर्चा में। मैं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। और हमारे साथ स्पोर्ट्स चर्चा पे चर्चा करने के लिए मौजूद है महावीर तनवर जी, जो एक क्रिकेट एक्सपर्ट है, और इनसे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और जिस तरीके से पूरी बैटिंग और पूरा मैच मजा आया उसके बारे में इनसे बात करेंगे। तो स्वागत है आपका महावीर जी। थैंक यू। आप जैसा कल उम्मीद कर रहे थे न्यूजीलैंड जीत जाए, तो आपके अरमानों पे पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। पानी फिरना नहीं कहूंगा, स्पोर्ट्समैन सिगरेट के हिसाब से कहूंगा कि आज न्यूजीलैंड खेला बहुत अच्छा जी, जो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे न्यूजीलैंड के साथ इतना स्कोर अच्छा खड़ा कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। स्कोर आपने कहा था कि 150 के आसपास जाएगा, लेकिन हमने मैंने भी कहा था कि 180 के समथिंग जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैच में पूरी तरीके से मजा आया। बिल्कुल पूरा मजा आया। हम आपको ग्राफिक के तहत दिखाना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने किस तरीके से करा। जो न्यूजीलैंड ने मैच 172 पे 4 विकेट पे रन बनाए थे, वही ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पे 173 आसानी से चेज कर लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला हो गया, जहां न्यूजीलैंड के बॉलर्स मतलब न्यूजीलैंड के बॉलर दबाव मान गए, सारी की सारी क्या गेंदे जो थी वो जो आपने देखा होगा शॉर्ट पिच बॉल जा रही थी, कहीं स्पिनर भी अच्छी बॉल को नहीं डाल पा रहा था। यॉर्कर का तो उन्होंने यूज ही नहीं करा इस मामले में पूरी तरीके से। और बल्ला भी चला खूब, मार्श ने अच्छा साथ दिया, मार्श ने अच्छा। और बाद में मैक्सवेल का मैंने कहा था, जैसे मैक्सवेल का भी चल गया। बिल्कुल वही हुआ जैसा हम सोच रहे थे, जिन 3 खिलाड़ियों के हमारे पर दारमदार था ऑस्ट्रेलिया के लिए वही हुआ। और उसी तरीके से जैसे हम बता दें आपको, मिचेल मार्श ने 77 रन की जबरदस्त पारी खेली, बहुत जबरदस्त पारी खेली। तो उसके ऊपर बताइए क्या। देखो मैंने फर्स्ट में कहा था कि वार्नर बड़ा फॉर्म में चल रहा है, वार्नर का बल्ला चल चुका है, तो वार्नर अपना जो फाइनल में उसको देना चाहिए था अपना बेस्ट, वो दे गया, ऐसी शुरुआत दे गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, इजी कर गया वो, जो आके संभाला फिर मार्श ने अच्छा संभाल लिया आके। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त रही। बॉलिंग को मैं इतना वो नहीं कहूंगा, क्योंकि 172 बनाना न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी बात थी, एक फाइट का मैच था। हेजलवुड की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? वुड ने ठीक है वो किया, 4 ओवर में 16 रन और 3 विकेट अच्छी, मतलब एक प्रेशर चैंपियन मतलब बनने के लिए ये बहुत अहम रखता है बॉलर का। देखिए न्यूजीलैंड के कैप्टन थे जो विलियमसन, जहां पे आए जिस वक्त, उस वक्त न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। हम आपको दिखाते हैं हेजलवुड की बॉलिंग का एक ग्राफ, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए और इकोनॉमी रेट सिर्फ 4 की रही, तो ये कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिहाज से काफी अच्छा रहा, और ये एक चैंपियन टीम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब मैंने सोचा कि अब न्यूजीलैंड के पक्ष में मैच जा सकता है, जब बोल्ट ने वार्नर को बोल्ड मारा जी, एक समय ऐसा आया कि लगा कि वार्नर जब आउट हुआ तो एक, क्योंकि एवरेज जो चल रही थी 8-9 की चल रही थी जी, जो चाहिए थी उनके रिक्वायरमेंट। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम एक आपको छोटी सी क्लिप दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न किस तरीके से हुआ, हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ड्रेसिंग रूम में जाके वो सेलिब्रेशन किया। ये सबसे चौंकाने वाला था, उन्होंने जूते में बियर डालकर पी, ये जबरदस्त लगा हमें उस चीज पे। हमने ऐसा सेलिब्रेशन हमने पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम देखा है। या तो ये भी हो सकता है कि 14 साल का जो ऑस्ट्रेलिया का वो सूखा था वो टूटा है, और उसका जस्ट में वो देखो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का भी वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं रही, अब भी सबसे ज्यादा ट्रॉफी वर्ल्ड कप की उन्हीं के पास है, T20 वर्ल्ड कप T20 में फर्स्ट टाइम है, ठीक है। उसका जस्ट में उन्होंने कुछ नए अलग तरीके से किया है, तो हम आपको दिखा दें कि अब तक जो टीम है जो T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनी है उसके बारे में हम आपको एक बार ग्राफ के तहत समझा देते हैं कि 2007 में सबसे पहले इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग पारी थी, लास्ट बॉल पे जब कैच आउट हुए, कैच आउट हुआ आपको याद हो? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा, उसे एक श्रीसंत ने कैच पकड़ा था, उसी के तहत वो जबरदस्त था, श्रीसंत ने जो लास्ट में कैच पकड़ा था, वो अगर छूट जाता तो
पाकिस्तान की कैच छूट जाए तो श्री संत का तो बुरा हाल हो जाता उसमें। उसके बाद 2009 में पाकिस्तान रही चैंपियन, 2010 में इंग्लैंड चैंपियन रही थी, और उसके बाद से लगभग हाँ सिर्फ वेस्ट इंडीज दो बार चैंपियन बनी है जी, और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया एक एक बार। तो अब तक न्यूजीलैंड 4 बार फाइनल में पहुंची थी और पांचवी बार ये फिर रह गया रनर्स अप रहे। कितना मतलब आपको लगता है कि कितने लाखों फैंस इसमें निराश हुए होंगे? बहुत निराश हुए होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनते हुए लोग देखते रहते हैं, एक नई टीम को निकल के आना, उसको चैंपियन बनना, कल उनकी सबकी इच्छाएं थी कि न्यूजीलैंड जीते किसी तरह से, न्यूजीलैंड जीते। केन विलियमसन की बैटिंग को लेके क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त पारी, किस तरीके की उन्होंने, मतलब जिस तरीके से पिच्चा पहले आके जिन्होंने उन्होंने पहले बॉल को समझा, कुछ बॉल उन्होंने डॉट खेली तो लग रहा था कि कहीं ये भी प्रेशर में आ रहे हैं, स्टार्टिंग में वो प्रेशर डॉट बॉल लगी, लेकिन बॉलों को समझ के जब उन्होंने जो बॉलों की धज्जियां उड़ानी शुरू करी तो मैं बिलीव नहीं कर सकता। देश रोजाना की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत जीत की हार्दिक शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुबारकबाद तो देनी बनती है, बनती है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा खेले। और हम आपको जश्न के बारे में और इनके बारे में अगली अपडेट देंगे, आप देखते रहिएगा देश रोजाना। मैं प्रमोद शर्मा, स्पोर्ट्स चर्चा में कल फिर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन। चुनमुन क्लोथ्स एंड मोर, अब पलवल में भी मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, फुटवियर, लाइफस्टाइल एंड होम। दिवाली ऑफर, शॉप फॉर रुपीज 3500, गेट ट्रॉली रुपीज 1999, shop for 2000 get duffel bags worth rupees 1299. Chunmun store, Agra Chowk, Palwal, contact 9999600695.